हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं यूपी के स्टाइल में कद्दू की सब्जी और पूड़ी। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को कट करके रख लिया है, साथ में लहसुन अदरक और हरी मिर्ची है। और तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, और उसमें डाल दूँगी मैं जीरा, मेथी, सौंफ, कलौंजी और लाल मिर्च। और उसके बाद डाल देंगे हम कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और ये हमारा तड़का अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए कद्दू। और बाय मिस्टेक इसमें एक कद्दू का स्लाइस छूट गया था। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और इसको अब हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते रहिएगा। साथ ही साथ हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेंगे। तो इस आटे में गेहूं का आटा है, इसमें थोड़ा सा मैंने सूजी मिक्स करके उसको अच्छे से लगा के रख दिया है ताकि सूजी फूल जाए। और इस तरफ सब्जी पक गई है लगभग। ये जब पक जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके, और लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और फिर हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, और फिर इसको मीठा करने के लिए हम गुड़ डालेंगे। तो मैंने इतने में लगभग 2 चम्मच गुड़ यूज़ किया है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। तो आप गुड़ के जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम सर्व करेंगे पूरी या कचौड़ी के साथ। ये मैं भी फर्स्ट टाइम पूरी के साथ खाई, ये यूपी में मेनली खाते हैं लोग। मैंने बहुत बार सुना था तो मैंने भी ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।